इस वक्त मैं रावतपाड़ा में खड़ा हुआ हूँ। आपको बता दें कि मुंशी पन्ना मसाले 100 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए हैं और भव्य रूप से एक और उनके प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी आज होना है। मेरे साथ में नितिन जी हैं मुंशी पन्ना से। तीसरी पीढ़ी है नितिन जी आपकी, चौथी पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं मुंशी पन्ना की। 100 वर्ष जो भरोसे के कमाए हैं इन्होंने, पूरे देश में आपका नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिष्ठान भी आज आपका खुल रहा है और 100 वर्ष पूरे भी किए। सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं पूरे आगरा शहरवासियों के लिए, जिन्होंने अपना निरंतर हमें प्यार और स्नेह जो निरंतर हमें मिलता रहा है उसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं आगरा शहर मुगल टाइम से भी ताज के लिए फेमस है और मोहब्बत की नगरी है। इसी प्रकार आगरा में रावतपाड़ा, तंग गलियाँ, लोहार गली और किनारी बाज़ार, जौहरी बाज़ार और ये सारा काफ़ी बहुत मुग़ल शासनकाल से ये बाज़ार स्थापित है और निरंतर इस बाज़ार में बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती रहती हैं और शासन और प्रशासन के द्वारा भी बड़ा सहयोग और सब चीज़ें मिलती रहती हैं। इसी बाज़ार में रावतपाड़े में एक मसाले की एक छोटी सी दुकान से हमारे ग्रैंडफादर ने, मुंशी लाल जी ने और पन्ना लाल जी ने एक मसाले का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो आगरा के बाहर, आगरा से 200 किलोमीटर तक की रेंज में आज पैकिंग में हर जगह, हर दुकान पर, हर जगह मुहैया है और हर जगह उपलब्ध है। उसी उपलक्ष्य में आज 100 वर्ष हमारी इस दुकान को रावतपाड़ा में जो मौजूद है उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और जिसके उत्साहवर्धन के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ हमने आयोजित किया हुआ है और निरंतर सभी पूरी कमेटी का, रावतपाड़ा कमेटी का, जौहरी बाज़ार कमेटी का, सारी कमेटी का और पूरे आगरा शहरवासियों का हम लोगों को प्यार और सम्मान सब तरीके से मिल रहा है। सभी की शुभकामनाएँ मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ मैं नितिन जी आपसे जानना चाहूँगा कि घर के मसालों को आदर्श मसाला माना जाता है, लेकिन इस भरोसे को कायम रखने में और 100 वर्ष से लगातार इस भरोसे को कायम रखने में कैसे कामयाब हुए? क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया अभी तक और जैसे ग्राहक को संतुष्ट के लिए उसके लिए जो भी कार्य करना पड़ता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फास्ट उसको सर्विस मिल सके और क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव होती रहे, कितना भी कैसा भी संघर्ष का दौर आ जाए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है और इसी निष्ठा से पूरे 100 वर्ष हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे ही निरंतर आगे इस चीज़ को हम कायम रखेंगे। धन्यवाद। एक चीज़ और है, समय के साथ कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ा ही होगा, स्वाभाविक है, समय 100 साल का काफ़ी होता है। इस बीच आपने अब कंप्यूटरीकृत जो है जमाना है, कंप्यूटर से सारे काम हो रहे हैं, तो कोई चैलेंज का दौर भी ऐसा महसूस करते हैं कि चैलेंज भी बहुत है और टैक्सेस का भी बड़ा रहता है, तो कैसे इसको? चैलेंज की तो कोई सीमा नहीं है और जब तक जीवन में चैलेंज अगर नहीं आता है तो उसमें भी एक काम करने में मज़ा नहीं आता और नई नई एक चैलेंज अपॉर्चुनिटी ही इंसान को आगे ले जाती है जैसा हमारा मानना है और मैं समझता हूँ इस चैलेंज में बहुत सारी चीज़ें हमारे आती हैं तो हम उसको फेस भी करते हैं। जैसे आज के समय में मसाला भी 10 रुपये की पैकिंग में आज हम लोगों ने बाज़ार में उपलब्ध करा रखा है, जो कि 5 रुपये की पैकिंग, 10 रुपये की पैकिंग, इससे भी क्या है कि जो आदमी बड़ा पैक नहीं खरीद सकता वो छोटा पैक खरीद के भी इस मसाले की क्वालिटी को, गुणवत्ता को, अपने चीज़ को चेक कर सकता है। 10 दशकों का पूरा सफ़र है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे कैसे चैलेंज फेस किए हैं आपने और उस भरोसे को आज तक जो जनता का एक भरोसा कमाया, उस चैलेंज को सफ़र करते हुए, उस चैलेंज को चैलेंज की तरह मानते हुए आप कामयाब होते? चैलेंज को चैलेंज की तरह ना माना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप पूरे शहरवासियों का जो प्यार था ना वो उससे भी बड़ा एक आशीर्वाद था, तो जो निरंतर मिल रहा है ना वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है और ऐसे ही प्यार और स्नेह आप सबका मिलेगा तो लगेगा ही नहीं कि हमने कोई चैलेंज अचीव किया है। बिल्कुल, आप सभी लोगों को और मुंशी लाल पन्ना मसाले की पूरी टीम को हमारी तरफ से, अर्थ न्यूज की तरफ से बधाई आप सब। धन्यवाद धन्यवाद। तो 100 वर्ष आपने पूरे कर लिए हैं, नितिन जी हैं मेरे साथ में और पूरी आपने जानकारी दी। नए प्रतिष्ठान का आपका उद्घाटन हो रहा है और जिस हिसाब से आपने जो भरोसा 100 वर्षों में जनता का कमाया है, उम्मीद यही करते हैं कि यह भरोसा हमेशा कायम रहेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।